एंड टीचर्स, टुडे आई एम गिवन ए चांस टू स्पीक ऑन दिस स्टेज. आई रिसाइट ए पोएम ऑन दिस स्टेज. दिस पोएम इज बीइंग रिटन बाय डॉक्टर हरिओम पवार. डॉक्टर हरिओम पवार इज ग्रेट पेट्रियोटिक पोएम राइटर. सो आई रिसाइट ए पोएम ऑन दिस स्टेज. मैं आज आपके सामने एक कविता अपने देश के ऐसे हिस्से के विषय पर. हमारे देश के ऐसे हिस्से के विषय पर पढ़ना चाहूंगा जो हमारे देश का हिस्सा है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे देश का हिस्सा है. बस हमारे देश की जनता कहती है कि वो हमारे देश का हिस्सा है. हमारे देश की सरकार कहती है कि वो हमारे देश का हिस्सा है. हम लोग कहते हैं कि वो हमारे देश का हिस्सा है. हम लोग कहते हैं कि वो हमारे देश का हिस्सा है लेकिन हमारे देश के अलावा जितने भी बाकी देश हैं उनके एटलस, उनके पूरे दुनिया के देश में, देश के एटलस में, दुनिया के नक्शे में वो हमारे देश का हिस्सा नहीं सा पाया था. किसी को अंदाजा आया कि वो कौन सा हिस्सा है? वो हमारे देश का एक हिस्सा है, उसका नाम है कश्मीर. कश्मीर हमारे देश का वो हिस्सा है जो हमारी देश की जनता, मैं फिर दोहराता हूँ, जो हमारी देश की जनता, सरकार, हम लोग कहते हैं कि वो हमारे देश का हिस्सा है लेकिन वो हमारे देश का हिस्सा नहीं माना जाता. पाकिस्तान वाले बोलते हैं वो हमारे देश का हिस्सा है, हिंदुस्तान वाले बोलते हैं वो हमारे देश का हिस्सा है. नीचे नीचे वार्ता चलती रहती है, नीचे वार्ता चलती रहती है कि हमारे देश, हमारा पाकिस्तान और हमारे देश की दोस्ती, या कुछ भी कह लो, दोस्ती या दुश्मनी ऐसी है. कभी समझौता कर लेते हैं, कभी वारदात कर लेते हैं, कभी समझौता कर लेते हैं, कभी लड़ाई कर लेते हैं. नीचे वार्ता चलती रहती है, ऊपर गोलियां चलती रहती हैं. तो मैं आज आपके सामने कश्मीर के ऊपर एक कविता सुनाऊंगा. इससे पहले मैं कश्मीर के ऊपर कविता सुनाऊं, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा जो मेरी मूल चरित्र की पंक्तियां हैं. आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की जनकार पवे. आज्ञा हो तो मैं भी, जहां पर आके कि मैंने समर्थन ठीक दिया है, मैंने अपने देश कश्मीर और पाकिस्तान उस आतंकवाद के नाम पर सही समर्थन दिया है, सही पंक्तियां कही हैं, बहुत तालियां बजाकर मैं समर्थन कर दीजिएगा. आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की जनकार पवे. आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की जनकार पवे. और समय पर कह दू जूमे गाए में गबड़ार पवे. उसको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार पवे. और विधाता ने सौंपी है अबरों को ललकार पवे. मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ. जनगणमन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ. जनगणमन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ. मैं वो कलम नहीं हूँ जा बिक जाती हो दरबारों में. मैं वो कलम नहीं हूँ जा बिक जाती हो दरबारों में. मैं शब्दों के दीप जलाऊ अंधियारे चौबारों में. मैं वाणी का राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ. ध्यान से सुना अगली पंक्ति. मैं वाणी का राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ. डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ. डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ. मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की. मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की. राजमहल के राजमुकुट के आके तन कर अड़ने की. उसका निदा मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं. देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं. देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं. क्या इतिहास लिखा गया, क्या इतिहास लिखा गया? गांधी जी की बकरी को बांधने वाली जंजीर को सुरक्षित रखा गया संग्रहालय में, जिसको हम म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय में. और कहा गया दर्शन करो जब वो जंजीर है जिसमें महात्मा गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी. लेकिन भगत सिंह के गले में पड़ने वाली फांसी के फंदे की कहानी आज तक जनता को सुनाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती. जय पीड़ा जन्म देती है कश्मीर के दर्द को. जय पीड़ा जन्म देती है हमारे आक्रोश को. मैं कश्मीर पे एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. कश्मीर जो खूबसूरत
कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, कश्मीर का डूब गया है अंधी गहरी खाई में। फूलों की घाटी रोती है मरगट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती है मरगट की तन्हाई में। जय अग्नि गंदा मौसम की बेला है, जय अग्नि गंदा मौसम की बेला है, जय अग्नि गंदा मौसम की बेला है। गंदों के घर बंदूकों का मेला है, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, मैं अगला की परंपरा का चरण हूँ, आजादी की पीड़ा का उच्चारण हूँ, इसीलिए दरबारों का दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। कश्मीर हमारे देश का वो हिस्सा है जो हमारे पास है लेकिन नहीं है। सेना को हटा कर देख लो कश्मीर के बॉर्डर से, पता चल जाएगा। बनारों में गाते रहिए गा कश्मीर हमारा है, शुकर तो देखो इम छोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देखे दूल्हा टाकर दर्पण की, दरबारों की तस्वीरें भी है बेशर्म समर्पण की। कश्मीर है जात बच्चे है केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चों की किलकारी में, कश्मीर है जहाँ तिरंगे चंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के गव उधाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। अपहरणों की रज कहानी होती है, धरती मैया पानी पानी होती है, जन्म की लहरें भी आंसू लगती हैं, गजरों की बहरे भी आंसू लगती हैं। मैं आंखों के पानी को अंगार बनाने निकला हूँ, मैं आंखों के पानी को अंगार बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। अभी मेरे इस हिस्से में, अगले हिस्से में, मेरे इस कविता के अगले हिस्से में आपको जय पर जाएगा कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर कैसा है और क्यों है। कश्मीर है जहाँ गर्द में चंदा सूरज तारे हैं, कश्मीर है जहाँ गर्द में चंदा सूरज तारे हैं, चरणों का पानी रख दिम है जीलों में अंगारे हैं। कश्मीर है जहाँ फिजाएं गायल दिखती रहती हैं, गर्म हवाएं घाटी का राशिफल लिखती रहती हैं, गर्म हवाएं घाटी का राशिफल लिखती रहती हैं। कश्मीर है जहाँ देश के दिल की धड़कन रोती है, संविधान की जहाँ 370 अड़चन होती है, कश्मीर है जहाँ देश का शीश झुकाया जाता है, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है। ओए समर्थन कीजिएगा, गुंगा बैरापन और सिंहासन है, लूड़े लंगड़े संकल्पों का शासन है, फूलों का आंगन नाथों की मंडी है, अनुशासन का पूरा दोष खंडी है। मैं इस बारी गायरता की लाश उठाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। एक बार हरियाणा में, हरियाणा के डपाली गांव या शहर में एक स्कूल में किसी हादसे के कारण आग लग गई, बहुत से बच्चे जलकर मर गए। वहां एक नेता अफसोस करने के लिए आया, वो अफसोस करने था, लेकिन उसके स्वागत के लिए 2 किलोमीटर लंबे रेशमी कपड़ों के टाट बिछा दिए गए। अफसोस करने आया था, फिर भी 2 किलोमीटर लंबे रेशमी कपड़े के टाट बिछा दिए गए। उसको थोड़े से भी आंसू नहीं आए, अफसोस करने का नाटक करके चला गया। हमको तो आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर, हमको तो आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल का शर्म नहीं है घायल होती धरती पर, भारत मुर्दा बाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर, मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की धरती पर, भारत के बेटे निवारसित हैं अपनी ही धरती पर, मैं घाटी से खेल रहे हैं गहरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती है आतंकों के जूतों पर, कश्मीर का बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वे, जुगनू को वैशाखी देकर चंदा बना रहे हैं वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कच्चा हो दियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कच्चा हो दियारों का, कुर्सी भूखी है नाटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई है खेलों की, गाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की। ये 3 पंक्तियां पढ़ी है मैंने,
कि उस महापुरुष का नाम सुनकर आपके दिल में आशा की किरण जगती है तो तालियां बजाकर उस महापुरुष का नाम सुनकर तालियां बजाकर मेरा समर्थन कर दीजिए। कुर्सी भूखी है नाटो के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई है खेलों की, गाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की। चौथी पंक्ति महापुरुष वाली पंक्ति पीछे तक पूरी संत पूरे पंडाल में पहुंच लीजिए। गाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, और जरूरत है सरदार पटेलों की, और जरूरत है सरदार पटेलों की, और जरूरत है सरदार पटेलों की। मैं काटी को आंसू का संतरा मिटाने निकला हूँ, मैं काटी के आंसू का संतरा मिटाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। अभी अपनी इस कविता के अगले हिस्से में ऐसी शर्मनाक गढ़ना पड़ता हूँ, वो घटना हमारे देश में ही करती है और किसी भी देश में वो शर्मनाक घटना नहीं करती। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कश भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता चलता हो बंदूकों की नलियों में, अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की, अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की, दिल्ली के वो दौड़ने की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जे अगली चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने इसका मतलब आपको सही दिया है, सही पंक्तियां बोली हैं, तो अपने जोश से अपने मन ही मन पंथ मातरम की गूंज आपके मन में है, गूंज उठेगी। कुर्सी भूखी है नोटों के थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कश भारत के नारे हैं गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता चलता है बंदूकों की नलियों में, अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की, दिल्ली के वल दो दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा वो चार पंक्तियां पढ़ने लगा हूँ, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जिनका भारत की धरती ना बासी हो, भारत के चंदा से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मुआ का आंचल फाड़ा हो, दूध मेरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाने निकला हूँ।